हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। देखो, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी ओक्यूलो मोटर नर्व की। ठीक है, हमने ओक्यूलो मोटर नर्व का पूरा मतलब हमने ओक्यूलो मोटर नर्व का क्या देखा था, हमने उसका कोर्स देखा था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, उसका मैंने एक वीडियो में इसके नोट्स भी बता दिए थे और एक वीडियो में क्लिनिकल एनाटॉमी भी करवा दी थी। तो ओक्यूलो मोटर नर्व की तीन वीडियोस प्रेजेंट हैं जो आप न्यूरो एनाटॉमी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं मेरे चैनल की, और वहां से आपको इजीली ये समझ आ जाएगा ओक्यूलो मोटर नर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी है ट्रोक्लियर नर्व। आज हम बात करेंगे फोर्थ क्रेनियल नर्व की, जो है ट्रोक्लियर नर्व। तो ट्रोक्लियर नर्व का भी हम उसी तरीके से सेम सीक्वेंस से चलेंगे। पहले मैं इस वीडियो में सारा डायग्राम बताऊंगा, कैसे कोर्स और कैसे उसका कोर्स होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके नोट्स पे और उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी में। ठीक है, तो सेम सीक्वेंस में एक एक नर्व को कंप्लीट करते जाएंगे। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो के बाद, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं ट्रोक्लियर नर्व की। तो जैसे कि मैंने ओक्यूलोमोटर नर्व में बताया था कि हर एक नर्व का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ट्रोक्लियर नर्व क्या है? फोर्थ क्रेनियल नर्व। और हमें पता है थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो ट्रोक्लियर नर्व का भी कहां पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस मिड ब्रेन के अंदर। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है हमारा न्यूक्लियस ऑफ, यहां इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस होगा। ये क्या है? हमारा मिड ब्रेन। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये हमारा है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में ही ओक्यूलो मोटर नर्व का न्यूक्लियस था, और मिड ब्रेन के अंदर ही ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होता है, अब उसकी बात करते हैं। तो इसके दो न्यूक्लियस होंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। नर्व दोनों तरफ जाएगी, तो ट्रोक्लियर नर्व के दो न्यूक्लियस होंगे, एक राइट न्यूक्लियस और एक लेफ्ट न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस से जो नर्व फाइबर्स निकलेंगे, मतलब एक्सोन्स निकलेंगे, वो आपस में ऐसे क्रॉस करते हैं। तो कैसे क्रॉस करते हैं, उससे पहले ये है हमारा वेंट्रल एस्पेक्ट और ये पीछे की तरफ है हमारा डोर्सल एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसमें मैं दो न्यूक्लियस बनाऊंगा। पहले मैं बनाता हूं दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस हो गया ये और एक न्यूक्लियस हो गया ये। ये क्या है? हमारा ट्रोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस है, एक राइट न्यूक्लियस और एक लेफ्ट न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस से क्या होता है, एक्सोन्स ऐसे निकलते हैं और आपस में क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने को क्या बोलते हैं? डीकसेशन। ठीक है, और क्रॉस करने के बाद ये जो है डोर्सल एस्पेक्ट से बाहर निकलते हैं। कौन से एस्पेक्ट से बाहर निकलते हैं? डोर्सल एस्पेक्ट। हमने ओक्यूलो मोटर नर्व में पढ़ा था कि वहां से जो एक्सोन्स थे वो वेंट्रल एस्पेक्ट से निकले थे, लेकिन ट्रोक्लियर नर्व अकेली ऐसी नर्व है जिसमें डोर्सल एस्पेक्ट से नर्व फाइबर्स निकलते हैं। तो ये क्रॉस करने के बाद डोर्सल एस्पेक्ट में जाते हैं और उसके बाद घूम के कहां चले जाते हैं? वेंट्रल एस्पेक्ट में। तो घूमने के बाद ये कहां आ जाते हैं? वेंट्रल एस्पेक्ट में। तो कोई पूछे कहां से निकले हैं? निकले हैं डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन से। आएंगे कहां पे बाद में? क्रॉस घूमने के बाद कहां जाएंगे? वेंट्रल एस्पेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, ये क्या है? डीकसेशन, मतलब क्रॉसिंग। ठीक है, यहां पे क्रॉसिंग हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इसका नेक्स्ट जो इसका मतलब लैंडमार्क क्या आएगा? दो आर्टरीज। जिस तरह से ओक्यूलोमोटर नर्व में दो आर्टरी आई थी, एक पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, एक सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी, दोनों के बीच में से होते हुए जा रही थी ओक्यूलोमोटर नर्व, इसी तरह ट्रोक्लियर नर्व भी इन्हीं दोनों आर्टरीज के बीच में से होके जाती है। कौन कौन सी आर्टरी? एक होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक होती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एक होती है आगे की तरफ, एक होती है पीछे की तरफ। ठीक है, डॉटेड दिखाइए, ये पीछे की तरफ है। इन दोनों के बीच में से होते हुए जाएगी हमारी, ये जा रही है हमारी क्या? ट्रोक्लियर नर्व। तो ये ट्रोक्लियर नर्व जा रही है पिंक कलर में। अब ये ट्रोक्लियर नर्व आगे कहां पे जाती है? इसका नेक्स्ट जो लैंडमार्क आता है वो होता है कैवर्नस साइनस। तो इसका नेक्स्ट लैंडमार्क क्या होता है? कैवर्नस साइनस। तो यहां पे मान लो ये मेरा कैवर्नस साइनस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है कैवर्नस साइनस। का कौन से एस्पेक्ट से जाएगी? लेटरल एस्पेक्ट। जिस तरह ओक्यूलोमोटर नर्व भी उसके लेटरल एस्पेक्ट से गई थी, ट्रोक्लियर नर्व भी लेटरल एस्पेक्ट से जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कैवर्नस साइनस में कि कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल में प्रेजेंट होती है कौन कौन सी नर्व? थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व की दो ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। तो थर्ड नर्व ओक्यूलोमोटर, उसके जस्ट नीचे कौन सी नर्व है? ट्रोक्लियर नर्व। तो ओक्यूलोमोटर नर्व के नीचे प्रेजेंट होती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ कैवर्नस साइनस में। तो अभी नर्व जब कैवर्नस साइनस के लेटरल एस्पेक्ट से होते हुए बाहर निकलेगी कैवर्नस साइनस से, तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट लैंडमार्क आता है वो होता है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो नेक्स्ट लैंडमार्क हमारा क्या है यहाँ पे? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जिस तरह से ओक्यूलोमोटर नर्व का भी यही था, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये भी इसी फिशर से जाती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर।
देखो अब तक सब कुछ सेम चल रहा है। ओक्यूलोमोटर नर्व में भी यही था कि नर्व निकली, दो आर्टरीज के बीच में से गई, फिर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ कैवर्नस साइनस से गई, उसके बाद बस ये उसके बाद क्या हुआ था कि ओक्यूलोमोटर नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी, लेकिन ट्रोक्लियर नर्व में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिंगल ही जाती है कहां से, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, उसके बाद सप्लाई करेगी। तो हमारी नर्व क्या करेगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्रॉस करेगी, ठीक है, इसको क्रॉस करके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर से जा रही है बाहर की तरफ, स्कल से बाहर आ गई है अभी। अब ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी, हमने कोर्स देख लिया, अब नेक्स्ट है सप्लाई किसको करेगी। अब देखो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी मसल कवर नहीं हुई थी, देखो सुपीरियर रेक्टस होगी थी, मिडिल रेक्टस होगी थी, इन्फीरियर रेक्टस होगी थी, बची कौन सी थी यहाँ पे, लेटरल रेक्टस, ठीक है, लेकिन उसको ट्रोक्लियर नर्व नहीं करेगी। उसके अलावा इन्फीरियर ओब्लिक थी, सुपीरियर ओब्लिक नहीं थी यहाँ पे, तो सुपीरियर ओब्लिक जिसको ओक्यूलोमोटर नर्व ने सप्लाई नहीं किया उसको कौन सप्लाई करता है, हमारी ट्रोक्लियर नर्व। तो ट्रोक्लियर नर्व आगे जाके किसको सप्लाई कर देती है, यहाँ पे हमारी एक सेकेंड, यहाँ पे ये हमारा एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स इस रिंग में प्रेजेंट होती है ना, तो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स यहाँ प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी, और मसल्स की हमें जरूरत नहीं है, और किसी मसल को सप्लाई नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है कौन सी, सुपीरियर ओब्लिक मसल, सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है उसको जाके ये सप्लाई कर देती है हमारी ट्रोक्लियर नर्व। तो कोई पूछे ट्रोक्लियर नर्व का पाथवे, तो सिंपल सा पाथवे है कि फाइबर्स जो हैं वो निकलते हैं, दोनों तरफ के न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद घूम उसके मिड ब्रेन के मतलब पीछे से घूमते हुए कहां जाते हैं, वेंट्रल एस्पेक्ट में, फिर चलते चलते दो आर्टरीज इनको टकराती हैं, दोनों के बीच में से होते हुए निकलते हैं, उसके बाद कैवर्नस साइनस के लेटरल एस्पेक्ट से होते हुए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के अंदर जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं स्कल से और सप्लाई करते हैं हमारी सुपीरियर ओब्लिक मसल को, जो कि एक एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के अंदर आती है, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो आर्टरीज बनाई है, इनके नाम लिख देते हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है, ये दो आर्टरीज यहां पे प्रेजेंट होती है, दोनों के बीच से जाती है, एक तरह से सैंडविच सा बनता है इसका। तो इस तरह से हमारी ट्रोक्लियर नर्व का पाथवे होता है। तो सिंपल सी बात है, सप्लाई करना इसको सिर्फ एक मसल को जो कि सुपीरियर ओब्लिक मसल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रोक्लियर नर्व, बिल्कुल छोटा सा था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट्स अच्छे से लिख के मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये वाली नर्व को अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद इससे अगर आपने ट्रोक्लियर नर्व नहीं देखा है तो उसको देख लो एक बार, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।